विधायक संजय गुप्ता पर लगाया गया आरोप सिद्ध हुआ निराधार, पैमाइश में आया सच सामने, विपक्ष की बोलती बंद। विपक्षी चारों खाने चित, महिला को ढाल बनाकर विधायक संजय गुप्ता को बदनाम करने की साजिश हुई नाकाम। यूपी के कौशाम्बी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुछ दिन पहले चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता पर दलित की जमीन कब्जा करने का जो आरोप लगाया गया था, पैमाइश के बाद बड़ा सच सामने आया है। विपक्षी पार्टी द्वारा महिला को ढाल बनाकर विधायक पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद निकला है। विधायक संजय गुप्ता की मांग पर एसडीएम चायल ज्योति मौर्या ने अपनी टीम भेजकर जमीन की पैमाइश कराई थी। नाप कराने पर विधायक के नाम, जमीन की जो रजिस्ट्री है उसके हिसाब से उनकी जमीन अभी भी 8 बिस्वा कम है। जब उनकी ही जमीन कम है तो वो कैसे किसी की जमीन पर कब्जा करेंगे। विधायक ने पैमाइश के बाद मिली कॉपी को मीडिया को दिखाते हुए अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा कि मुझे बदनाम करने वालों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा, विपक्षी पार्टियों के लोग चाहे जितना जोर लगा लें मुझे बदनाम करने के लिए, लेकिन सांच को आँच नहीं। उन्होंने कहा, चायल तहसील प्रशासन ने जमीन की पैमाइश कराकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, अब सच जनता के सामने है। विधायक ने प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से लोगों को ईर्ष्या है, इसलिए विपक्ष के लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और एसडीएम के द्वारा जमीन की पैमाइश हो जाने के बाद विरोधियों के मुंह पर यह एक तमाचा है। बता दें कि बीते दिनों बंशी देवी नामक महिला एवं उनके परिजनों ने चायल विधायक के ऊपर उनके कुछ प्रतिद्वंदियों के मिलीभगत से दलित की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था। आरोप को खारिज करते हुए चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने तुरंत प्रशासन को बुलाकर निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा था और एसडीएम को पत्र लिखकर मांग भी की गई थी। चायल विधायक ने कहा कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए बसपा, सपा, कांग्रेस और बहुजन मुक्ति मोर्चा के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति दुकान बंद हो चुकी है। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। जन मुक्ति मोर्चा जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो है तो विधायक जी का यही काम है, इस पे आपको क्या कहना है विपक्ष? देखिए, ऐसा है, राजनीतिक दल के ही लोगों को तो मैं कह रहा हूँ, जिनकी राजनीति की दुकान बंद है, चायल का विकास जिनसे देखा नहीं जा रहा है, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, राजनीतिक मुद्दे पे बात करने लायक वो है नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक आइडियो वायरल हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी पहले रहे उनका एक कार्यकर्ता से संवाद था जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैंने इतने करोड़ों करोड़ों रुपए मैंने फला को कमवाए। आप देखो ना, समाजवादी के लोगों ने जिस तरीके से जमीन कब्जा किया, कौन सी फैक्ट्री चलती है इन लोगों की, कौन सी इंडस्ट्री चलती है, कितने बड़े टैक्स पेयर हैं, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों में सब चलते हैं, काफिला लेके चलते हैं, इतने लोगों का खर्चा उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो खुद गलत करते हैं और दूसरों पे उंगली उठा के बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जनता सब कुछ सच जानती है। कुछ दल के लोगों को मैंने देखा है, जिस दल का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जिनकी राजनीति की दुकान चलने वाली नहीं है, जो वो वीडियो बना के डाल रहे हैं और ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि उस भाषा को सुन के मुझे हंसी आती है कि मालूम दे रहा है, अरे झूठ तुम्हारा कितने दिन चलेगा, ये झूठ की बाजार कितने दिन चलेगी। जमीन एक ऐसी चीज है, अभिलेखों में दर्ज होती है, उसका नक्शा बना होता है, उसको कोई खा नहीं सकता, उसको कोई खसका नहीं सकता। अगर कोई कब्जा कर रहा होगा तो सामने आएगा, झूठी शिकायत होगी तो सामने आएगा। ये लीजिए, आज सब सब कुछ सामने आ गया, सारी चीज का क्लियर हो गई। तो आरोप लगाना, विपक्ष के लोग अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो विपक्ष वाले करेंगे क्या? जिस दल के ये लोग जिन्होंने इस तरीके का तमाम वीडियो बना के डाला, आरोप लगाया मेरे ऊपर, अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो अपनी पार्टी से भी निकाल दिए जाएंगे। ये विपक्षियों का काम है इस तरीके का आलाप करना, हमारा जो काम है, हम लोग अपने सरकार के एजेंडे पे जो सरकार की मंशा है सेवा कार्य करना, और जमीन कब्जा करने का जो आरोप है वो उनका सब धराशायी हो गया है। आज न वो महिला सामने है, न वो विरोधी सामने है। आज हमें तो चुनौती देता हूँ, 1 इंच जमीन कोई प्रूव कर दे, ये सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें सब सामने आ गई हैं, सारी चीज़ें क्लियर है।
कि संजय गुप्ता ने एक भी जमीन कभी किसी कब्जा है, मेरी जमीन तो पूरी नहीं हो रही, दूसरे बाद ये पता चला कि जो आपने रजिस्ट्री कराई है हाँ उसके उतनी जमीन भी आपको नहीं मिली, उससे कम मिली है। मेरी जमीन आप बता दें 5 बीघे मेरी रजिस्ट्री है, 5 बीघे जमीन में 12 बिसुआ PWD में गई थी जमीन, 4 बीघे 8 बिसुआ कुछ धूर मेरी जमीन खाते में शेष है, 2003 की रजिस्ट्री मेरे पास है, राजस्व अभिलेख में भी स्पष्ट है, और मेरी जमीन पैमाइश में 4 बीघे खाली उतरी है, 8 बिसुआ जमीन मेरी कम है, और ये राजस्व की टीम में ये चीज उल्लिखित भी हुई है कि अभी संजय कुमार गुप्ता की जमीन पूर्ण नहीं है, और इसमें एक अवैध कब्जे धारक भी पाए गए जिनके नाम कोई जमीन नहीं है, कोई वो नहीं है, और उनका अवैध कब्जा है, वो जमीन भी नाप में मेरे में आ गई है। विधायक जी, जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक दल के लोग जो है तो झूठे आरोप लगाकर सोशल मीडिया में भ्रामक चीज़ें डाल रहे हैं, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए ऐसा है ना, आप एक देखिए आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं, वही लोग हैं जो मेरे सामने चुनाव लड़े थे और चुनाव हारे हैं, ये वही लोग हैं जो किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं, ये वही लोग हैं जो चायल में जिनकी दाल नहीं गल रही है, जो अपनी दुकान को बंद होता देख रहे हैं। कौशाम्बी जनपद में चायल विधानसभा में संजय कुमार गुप्ता के कार्यों को यहाँ की जनता देख रही है। आरोप लगाने वाला कोई आम जनता नहीं है, जो शिकायतकर्ता महिला है वो किसकी गाड़ियों में बैठ के घूम रही है, उसको कौन लेके घुमा रहा है, वो महिला न पढ़ी है न लिखी है, अंगूठा उससे कौन लगवा रहा है, उस महिला को तो ये भी नहीं पता है कि जिस कागज में मुझसे अंगूठा लगवाया जा रहा है उस कागज में लिखा क्या है, उसके सभी शिकायतों पत्रों को देख लीजिए, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, एक दूसरे से उसकी कोई बात टैली नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से आप जान लीजिए वो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, उस महिला के कंधे पर उस महिला को माध्यम बनाकर मेरे ऊपर जो प्रहार किया गया है मैं उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके और उन विरोधियों को मैं खुद चुनौती देते हुए इस बात को कहना चाहता हूँ, तुम चाहे जितना जाके छाती पीटो, चाहे जितना विलाप करो, चाहे जितने वीडियो बनाओ, चाहे जितना भ्रामक प्रचार करो, सत्य को कोई छिपा नहीं सकता और झूठ की बाजार ज़्यादा दिन तक चलेगी। क्या करने का आरोप आप पे लगा है, क्या है पूरा मामला? देखिए ऐसा है, वो दलित महिला जिसने मेरे ऊपर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया, वो कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के राजनीतिक विरोधियों के संरक्षण में वो एक योजनाबद्ध तरीके से वो आरोप लगवाया गया। किसी की जमीन अगर खोती है, कब्जा होती है, जमीन पे कब्जा लेना होता है, वो SDM के यहाँ जाता है, एप्लीकेशन लगाता है, हदबंदी पैमाइश की मांग करता है, उसकी एक विधिक प्रक्रिया है। उस महिला ने ना तो SDM को कोई एप्लीकेशन दिया, ना उसने कोई हदबंदी कराई किसी प्रकार का, वो सीधा कुछ राजनीतिक दल के लोगों की गाड़ी पर बैठकर उनके साथ वो जाके पुलिस SP के यहाँ जाके एप्लीकेशन देना, वहाँ पे मीडिया वालों से बातचीत करना, मीडिया में बयान देना, वो सिर्फ वो राजनीतिक विरोधियों के द्वारा एक साजिश का वो हिस्सा है। और मैंने स्वयं जिस पैमाइश की मांग उस महिला को करना चाहिए था, मैंने स्वयं पत्र लिखकर उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि जिस नंबर पे अपनी भूमि होना बता रही है उस पूरे नंबर की पैमाइश की जाए, मेरी भूमि पैमाइश करके अलग की जाए, सारी स्थिति को स्पष्ट किया जाए, जनमानस को पता चले वास्तविकता क्या है। मेरे उस पत्र के आधार पे 2 दिन परसों भी और जो कमी थी कल, पूरी राजस्व की टीम ने पूरी जमीन का एक एक इंच का पूरा पैमाइश किया है। मेरी जितनी रजिस्ट्री थी उसमें जितनी ज़मीनें PWD में गई थी, जितनी ज़मीनें अन्य काश्तकारों पट्टादारों द्वारा विक्रय किया गया था, जितनी ज़मीनों पे अब अवैध निर्माण, वहाँ पे एक अवैध निर्माण मुन्नी देवी जमुना प्रसाद के पुत्रों के द्वारा अवैध निर्माण भी करते हुए पाया गया, जिसको मैं भी नहीं जानता था कि इनकी ज़मीन नहीं है ये, तो वहाँ पर सारी स्थिति क्लियर हो गई है। मेरी जितनी रजिस्ट्री है, जितने का बैनामा है, हमारी ज़मीनें सब आकर्षक हैं, 2013 की रजिस्ट्री है, उसमें भी रकबा अभी पूरा नहीं हो पाया, उसमें भी 8 बिसुआ ज़मीन मेरी कम है। ये राजस्व की पूरी रिपोर्ट आपके सामने है,
इस रिपोर्ट में पूरी टीम, 7 लोगों की पूरी टीम ने पूरी पैमाइश किया है, खुद गांव के अन्य लोग सब तमाम लोग खड़े थे और पूरी स्थिति क्लियर हो गई कि उस रकबे में उस महिला की कोई भूमि कब्जे में थी ही नहीं। जो भूमि उसके पति को पट्टे में प्राप्त हुई थी उसने अपने जीवन काल में ही उसने पूरी जमीन पर क्रय कर लिया था। मेरी भूमि को एक साजिश के तहत शिकायत करा के दलित होने का कार्ड खेला गया, महिला होने का कार्ड खेला गया, मुझको बदनाम करने का एक कुचक में डाल दिया है। ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ, ऐसे अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ भी बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है। किसी को और पूछा? पहले अभी एक महिला शिकायतकर्ता ने जल विधायक संजय गुप्ता के ऊपर ये आरोप लगाया था कि उनकी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया, तो एक वीडियो वायरल कर विधायक संजय गुप्ता द्वारा इस जो आरोप था उस आरोप का खंडन किया गया और उन्होंने एक खत के माध्यम से एसडीएम चायल ज्योति मौर्य को एक खत लिखा था, पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि जो मेरी रजिस्ट्री की गई जमीन है उसकी आप पैमाइश करवा लें, पैमाइश के बाद ये साफ हो जाएगा कि जमीन मेरी कम है जो मैंने रजिस्ट्री कराई है या मैंने कब्जा किया, ये साफ हो जाएगा। तो इसी के तहत आज ये चायल प्रशासन यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ आई हुई है और पैमाइश कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैमाइश यहाँ पर कराई जा रही है ताकि ये जो आरोप है वो सही है, कितना सही है कितना गलत है ये पता लग सके। विधायक संजय गुप्ता ने भी ये गुजारिश भी की है प्रशासन से कि पैमाइश कराकर इस जो विवाद है उस विवाद को हल किया जाए ताकि जो आरोप लग रहे हैं वो पता चले कि सही है कि गलत है। और मैं उन्होंने कहा कि यदि इससे क्या होगा कि ये पता चलेगा कि जमीन मेरी कम है कि मैंने खुद कब्जा किया है, तो इसी पर आज ये पैमाइश कराई जा रही है। तो अभी कुछ देर में ही पता चल जाएगा कि जो आरोप लगा रही है वो सही है कि गलत है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। प्राइमरी न्यूज़।